चाहता हूँ के मुकाबिल तेरे आईना बनूं, यूं भी मुझको हदफे संगे सितम होना है, यूं भी मुझको हदफे संगे सितम होना है। चंद शार हो रहे हैं कि महबूस हुए हैं कभी मसलूब हुए हैं, महबूस हुए हैं कभी मसलूब हुए हैं, कब अहले जुनू वक्त से मरूब हुए हैं, कब अहले जुनू वक्त से मरूब हुए हैं, और तारीख के औराख की जीनत है उन्हीं से, तारीख के औराख की जीनत है उन्हीं से, जो लोग तेरे नाम से मंसूब हुए हैं, तारीख के औराख की जीनत है उन्हीं से, जो लोग तेरे नाम से मंसूब हुए हैं। हम मसलके इशारो मोहब्बत के पयामी, हम मसलके इशारो मोहब्बत के पयामी, किस जुर्म की पादाश में मातूब हुए हैं, किस जुर्म की पादाश में मासूम मातूब हुए हैं, बुनियाद वफा हमने ही रखी थी सो हम पर, बुनियाद वफा हमने ही रखी थी सो हम पर, जो जुल्म हुए हैं वो बहुत खूब हुए हैं, जो जुल्म हुए हैं वो बहुत खूब हुए हैं, बुनियाद वफा हमने ही रखी थी सो हम पर, जो जुल्म हुए हैं वो बहुत खूब हुए हैं, क्या कह रहे हैं, और हर हाल में मोहताज रहा वक्त हमारा, हर हाल में मोहताज रहा वक्त हमारा, हम लोग कहाँ वक्त से मरूब हुए हैं, हम लोग कहाँ वक्त से मरूब हुए हैं, हर दौर में बरसाए गए संगे मलामत, हर दौर में बरसाए गए संगे मलामत, दो दिल जो कहीं तालिब व मतलूब हुए हैं, दो दिल जो कहीं तालिब व मतलूब हुए हैं, ये हाल रईस आज है इस शहर वफा में, ये हाल रईस आज है इस शहर वफा में, बेनूर कई दीदे याकूब हुए हैं, बेनूर कई दीदे याकूब हुए हैं। ये अगर जरूरत पड़ी तो बीच में सुना दूंगा आपको, हाँ नहीं अभी देखते हो ना। अच्छा, मुशायरे की कार्यवाही का आगाज़ करते हैं। खवातीन हज़रात, आपके जाने पहचाने शायर यहाँ पे फिलाडेल्फिया में और न्यूजर्सी के मुशायरों में अमूमन शिरकत करते रहते हैं, यहाँ मौजूद हैं जनाब टोनी जावेद साहब, उनसे गुजारिश करूँगा कि अपने कलाम से नवाजें। जनाब टोनी जावेद, आप इस्तकबाल कर सकते हैं तालियों में। इतनी जल्दी मेरा नंबर आएगा मुझे पता नहीं था, ये हम पहले कह चुके पहले बाजी के लिए है कि बर्क से तेज अदब में नाम है जिसका, आज भी हर तहरीर में इशारत नाम है उसका। दूसरा सवाल आता है यहाँ पर हमारे दुला साहब का, जो कि मेरे क्लास फेलो भी हैं, सो इनके लिए है कि मताए कूचा बाजार में तहरीर है जिसकी, मताए कूचा बाजार में तहरीर है जिसकी, कमाल कह गया है तमन्ना ना करो अब उसकी। बहुत कम लफ्ज़ों में ज़्यादा बातें करने की ट्राई करता हूँ कि रंग खुशबू से गुल इजहार उल्फत करते हैं, रंग खुशबू से गुल इजहार उल्फत करते हैं, रात की रानी हो या गुलाब दास्तां छोड़ जाते हैं, सभी कल्ब में कुत्सी और असल की, सभी कल्ब में कुत्सी और असल की हूर सी तमन्ना रखते हैं, मिले जो जज्ब बाहम के मिले जो जज्ब बाहम के और उल्फत का इकरार करते हैं,
साहिर से दुजदीदा निगाहों से बातें करती हैं, साहिर सी दुजदीदा निगाहों से बातें करती हैं, क्या खबर नाज परवर मुझसे बात करती हैं, क्या मरहम प्यार का फकत इस पेकर पर रखती हैं, क्या मरहम प्यार का फकत इस पेकर पर रखती हैं, पता चला मताए दिलो मत, पता चला मताए दिल में औरों की भी रहती हैं, प्यारो जंग में जायज, प्यारो जंग में जायज हर वक्त दाराओं कई कहते हैं कौकाश, प्यारो जंग में जायज वक्त दाराओं कई कहते हैं, जावेद जिसकी हो जाए अगर, जावेद जिसकी वो हो जाए अगर, हंसी तकदीर कहते हैं। आपने उतनी ही तालियां उनके आते वक्त बताई, बजाई उतनी ही तालियां उनके जाते वक्त बताई, पता नहीं हुआ क्या। सूरत हाल ये है कि मुझे एक हिस्सा है उसका, तकलीफ का एक हिस्सा है, आप लोगों को चाहता हूँ थोड़ी सी तवानाई आपके अंदर आए और जहन पर अशाज बशाज हों आप लोग। एक महफिल में ऐसी एक मुशायरा हो रहा था, एक सरदार साहब शायर बैठे थे, उन्होंने सरदार साहब से कहा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मुझे भी कुछ कलाम पेश करना है, तो सदर भी मामू साहब की तरह से था ही नफीस इंसान, उन्होंने कहा जी आइए बिल्कुल आइए आप। तो वो सर आपको क्या मसला चल रहा है ना, आप लोगों ने चाय बन रही है ये बात की यार, हाँ ये बात अच्छी खबर नहीं अभी नहीं, तो हम पिएंगे उसके बाद चखने के बाद, सिक्योरिटी के मसाइल हैं। तो खबरें हजरात हुआ ये कि वो सरदार साहब थे जनाब मामू नवन जैसे उस्ताद ने उनकी ज़्यादा दे दी, सरदार साहब आए और उन्होंने बाइक पर आकर अपनी नज़म शुरू की, खास आप लोगों ने पेश कर रहा हूँ उसमें तवज्जो फरमाइएगा। सरदार साहब ने कहा सदर साहब मेरी नज़म का उनवान है डब्बा, उन्होंने कहा जी इरशाद। तो सरदार जी ने अपनी नज़म स्टार्ट की, कहने के डब्बे ते डब्बे ते डब्बे ते डब्बा, डब्बे ते डब्बे ते डब्बे ते डब्बा उते वड़ा डब्बा ते फिर डब्बा उते निका डब्बा ते फिर वड़ा डब्बा फिर डब्बे ते डब्बे ते डब्बे ते डब्बा। तो सदर साहब ने कहा सरदार जी बात ये कि आपके कलाम में इस्तकामत नहीं है, वजन नहीं है। कहना सदर साहब अपने वजन को अपने पास रखो, बैलेंस देखो, डब्बे थे डब्बे थे डब्बे कितने पैसा देखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इस बैलेंस का ख्याल रखें, हाँ तो आप सिर्फ इसी से आप ध्यान में रखें और जो हमारे माहौल को ऐसा बनाए कि यादगार माहौल हो और आप जरा महसूस हो शायर में कुछ है, नहीं नहीं असल में जैसे लोग होते हैं वैसी बात करना पड़ती है, मगर लाल लोग अच्छे हैं असल में, क्योंकि लोग यहाँ सारे माकूल और पढ़े लिखे लोग हैं, लिहाजा यहाँ पे मैंने हजबे ज़रूरत उसको इस्तेमाल किया और आइंदा जैसे भी सूरत आ रही उसके हिसाब से उसी में पेश करता रहूँ। पहले बुजुर्ग जो नौजवानों को बिगाड़ें झांकने पर हमारे बुरी बात है, कामयाब अच्छी चीज़ नहीं होती। अच्छा खौतिन हज़रात हम मुशायरे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। हमारे शुमाली अमेरिका के अदबी सरमाए में एक खुशगवार इजाफा जनाब अरशद हुसैन साहब की शक्ल में हुआ है, अपने कलाम के साथ यहाँ हाजिर हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा अपने कलाम से नवाजें, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए अरशद हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया रईस भाई। सबसे पहले तो मैं एक ऐलान करता चलूँ जो मैं भूल गया था, एक 28 को एक नवंबर 28 एक बहुत अजीमुशान मुशायरा है अल वली मस्जिद के साथ ही है वो हॉल, और उसमें जो शुरका हैं हमारी शायरा हैं उसमें लता हया सीमा गज़ल और भी हमारे जितने यहाँ से हमारे जो आप शोराज रात को देख रहे हैं तो ये भी वहाँ पर मौजूद होंगे, तो आप लोगों से गुजारिश है कि वो आप लोग तशरीफ लाइए और इंशाल्लाह बहुत अच्छा मुशायरा है, बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंजॉय करेंगे। तो इसके बाद अगर इजाज़त हो तो मैं अपनी कुछ सुनाता चलूँ।
चाहा तुझे मैंने इतना वो बेवफा, हर गुजरे हुए लम्हे में याद तू आया, हर गुजरे हुए लम्हे में याद तू आया। मैं और मेरी जिंदगी और मेरा आशियां, जब टूट कर गिरे तो याद तू आया, जब टूट कर गिरे तो याद तू आया। मेरी रगों में प्यार पेवस्त है तेरा, मेरी रगों में प्यार पेवस्त है तेरा। खून निकला रगों से तो याद तू आया, खून निकला रगों से तो याद तू आया। और मैं कैसे भूल जाऊंगा तुझको मेरे यार, मैं कैसे भूल जाऊंगा तुझको मेरे यार। माजी जो किया याद तो याद तू आया, माजी जो किया याद तो याद तू आया। बागों में घूमना झूलों पे झूलना, पाया जो इन्हें खाली तो याद तू आया, पाया जो इन्हें खाली तो याद तू आया। वो तेरी गुफ्तगु अंदाज़े खुश बयां, कोई गजल सुनी तो याद तू आया, कोई गजल सुनी तो याद तू आया। और ना करदा गुनाह पर इस कदर गजब, ना करदा गुनाह पर इस कदर गजब। शोलों में झुलसा तो याद तू आया, शोलों में झुलसा तो याद तू आया। अब बिछड़े हुओं को मैं कैसे भुलाऊंगा, हर लम्हा हर घड़ी बस याद तू आया। और वो दिन वो साते वो तेरी रफाकते, वो दिन वो साते तेरी रफाकते। अरशद इन्हें जो सोचा तो याद तू आया, अरशद इन्हें जब सोचा तो याद तू आया। बहुत शुक्रिया। ये भी बहुत है। आपने देखा अरशद भाई ने बहुत ही मुख्तसर और मायने फेस एक्सप्रेस गजल आपको सुनाई जल्दी में, टाइम कम था। ऐसे बतौर मेज़बान मैंने उनसे दरख्वास्त भी की ये गजल, लेकिन एक दफ़ा आपको और सुनेंगे। रईस भाई आपसे कुछ कह रहे हैं दरवाजा खोल। आप सचमुच में चाय आ गए। जुबैदा बाजी का किचन खुल गया है। मेरे ख्याल चाय का वफा कर रहे थे सब लोग, चाय ले लें लेकिन मुशायरे से मुतासिर होगा। ख्वातीन के लिए कॉफ़ी है। ये आपकी बातें काफ़ी इसको रईस ऊपर रख दो तब तक खुश हो जाएगा।
सॉरी, जब तक चाय का वक्त है तो मैं एक और ऐलान करता चलूं। ये नूरुल ईमान स्कूल तो आप लोग जानते होंगे, ये सामने है रूट वन पे ISAJ, तो वहाँ पे मेरी बच्ची भी पढ़ती है, बच्चा भी पढ़ता है माशाल्लाह। तो आज मेरी बेटी जब से बैठी हुई थी कैलेंडर बेचने के लिए स्कूल की तरफ से, $10 का है इस्लामिक कैलेंडर, और इसमें CD भी है और ये पूरा इस्लामिक कैलेंडर है, तो अगर किसी को चाहिए तो $10 का है ये ले लीजिए। थैंक यू। और इसके अलावा हमारे जो शायर हैं तकी भाई, उनकी किताबें वहाँ पे मौजूद हैं, तो जिसको किताबें लेनी हो तो वो किताबें भी वहाँ से ले सकते हैं। $10। Yeah.